द मेकअप, जितनी भी आप मेकअप प्रोडक्ट अच्छा इस्तेमाल करेंगे, जब तक स्किन प्रेपरेशन नहीं होगी, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उस वक्त तक जो है ना वो आपकी स्किन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल कि आपकी स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेक्सचर उसका स्मूथ हो, और बहुत दफा फिर आपको ट्रीटमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। सो अब थोड़ा बहुत ये अब्जॉर्ब हो गया, अब जो है मैं इनको लगा रही हूँ। ये मेरा प्राइमर जो कि ये कलर करेक्टिंग प्राइमर है, ठीक है। ये प्राइमर, ये बड़ा अच्छा प्राइमर है जो कि बड़ी स्मूथ तरीके से हल्की हल्की जो पिगमेंटेशन होती है उसको ये थोड़ा बहुत स्मूदन आउट करता है और कलर करेक्शन करता है हमारे फेस पे। सो ये थोड़ा सा और हल्का सा व्हाइटनिंग भी करेगा, ब्राइटनिंग भी करता है। अभी जो है वो मैं इसको थोड़ा बहुत लगा रही हूँ। बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जाहिर है हम इसके बाद इनको फेस के ऊपर हम इनका फाउंडेशन भी लगाएंगे डेफिनेटली, तो इस वजह से हमें बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। ओके, सो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है ये थोड़ा स्किन टोन जो है वो हल्की सी इवन हो गई है, स्किन थोड़ी सी ब्राइट लग रही है। अच्छा, अब मेकअप जो है वो मैं मुझे लग रहा है कि मुझे जो है ना थोड़ा सा डे टाइप मेकअप, थोड़ा सा बड़ा क्विक सा मेकअप मुझे दिखाना है। अच्छा, मुझे जो है वो एक ब्लेंडर है, तो यार टाइप का ऑन कराने में तो मैं चेयर को हटा दे प्लीज, और ये प्लीज इसको ऑन करवाए सर। एक हेलो सर, प्लीज क्या करें आप इसको उतार, इसको कनेक्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये कहाँ के हैं सारे सर? तुमने ये तो तार लगाई है तो कहाँ रखे, ये कहाँ पे है सर? ये तार नहीं लग रही है सर, लाइट आएगी आपको प्रॉपर लाइट उसके फेस पे पड़ेगी, जो मैं चाह रही हूँ प्लीज करवा दूँ जल्दी से। कहाँ पे आइए आपने वो भी ऑन, अब आप बता दें कौन सी आपको चाहिए, येलो, व्हाइट और येलो? नहीं, थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा आगे अगर रखें इसको, हाँ कटिंग करो, थोड़ी सी नीचे कर दो उसको, हाइट को नीचे कर दो। आ जाए आप चेक करें इसको, थोड़ा ठीक कर दें, हाँ ठीक है, सही कर दो इसको तुम थोड़ा सा।